नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं निधि भारतीय, एफ एम आई न्यूज वालों तुहाडे सारयां दा स्वागत करदी हां। बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरां दे नाल। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ते पंजाब नूं नशां दे मामले ते बदनाम करन दे लगाए इल्जाम। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे सर्वे दा हवाला दिंदिआं कहा पंजाब विच सिर्फ 1.27% नौजवान ने नशा दे आदि। कहा विरोधी कर रहे ने गलत प्रचार। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 23 अक्तूबर लुधियाना विखे करेंगे पंजाब के कारोबारियों लिए मैनीफेस्टो रिलीज़। 23 तो 25 अक्तूबर तक कारोबारियों नाल केजरीवाल करेंगे विचार वटांदरा। चंडीगढ़ विच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चोन मैनीफेस्टो कमेटी चेयरमैन कंवर संधू ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते कीते तिखे शब्दी वार। कहा कैप्टन कर रहे ने पंजाब दे किसानां नूं गुमराह। किसानां दा कर्ज मुआफ ना करवा सकण ते निजी जायदाद नाल किसानां नूं देण राहत। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी कैप्टन ते सियासत करन दे लगाए इल्जाम। कैप्टन ने दिता जवाब, कहा करके रहांगे किसानां दा कर्जा मुआफ। दिल्ली विखे कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस उप प्रधान राहुल गांधी नाल हुई मुलाकात। राहुल गांधी की आने वाली पंजाब फेरी ते हुई चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू बारे राहुल गांधी नाल गलबात होने तो कैप्टन ने किया इनकार। सूबे के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस अते आम आदमी पार्टी ते पंजाब नूं नशा दे मामले ते बदनाम करन दे इल्जाम लगाए ने। शुक्रवार चंडीगढ़ विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करदे उन्होंने जानकारी दी कि सूबे ते 375,000 नौजवानों के ड्रग टेस्ट करवाए गए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने दसिया कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिज वालों किए गए सर्वे में सिर्फ सूबे के 1.27% नौजवानों ड्रग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है। सुखबीर सिंह बादल मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गलत आंकड़े पेश करके गलत प्रचार कर रही ने और सूबे को बदनाम कर रही ने। इस मौके पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा ने पंजाब में बॉर्डर राही आते नशे से काफ़ी हद तक काबू पाने बारे जानकारी भी साझी की। असी तकरीबन 375,000 नौजवानों का ड्रग टेस्ट कराया है। एंड मैनू मैं कहते मैं खुशी आँदी है, भावें खुशी ये है कि जोड़ा प्रचार झूठा किया गया सी वो प्रचार के मूँह से थप्पड़ लग्या है। टोटल 375,000 चो ओनली 1.25% ऑफ द पीपल of the youth, only 1.25% of the youth were found to have consumed drugs. Only 1.25% to 7%, 1.27%, which is vastly less than the national, international and any level. Pichle 2-3 saalan to कांग्रेस पार्टी ने ते होर पार्टियां ने आप पार्टी ले लो या होर पार्टियां ने बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा पंजाब दे यूथ बारे कीता। आ प्रोपेगेंडा आ जिहड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया राहुल गांधी ने बगैर सोचे समझे बगैर कोई थेंटिसिटी ते पंजाब दे नौजवानों नू ड्रग एडिक्ट डिकलेयर कर दिता। उन्होंने 70% पंजाब दे नौजवान सारे नू ब्रांड कर दिता ड्रग एडिक्ट। उदे बाद बार बार मीडिया राही TV राही वेस्टेड इंटरेस्ट ने पार्टियां ने एदा इन्ना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कीता कि देश भर विच दुनिया विच बहादुर पंजाबी नौजवानों नू ड्रग्स अडिक्ट्स ड्रग पेडलर्स डिक्लेयर कर दिता। यूथ ते किसान मैनीफेस्टो जारी करन तो बाद आम आदमी पार्टी 23 अक्तूबर नू अपना कारोबारियों लिए मैनीफेस्टो भी जारी करन जा रही है। इस मैनीफेस्टो नू लुधियाना विखे आम आदमी पार्टी दे कौमी कन्वीनर अते दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद जारी करनगे। इस बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राही जानकारी दिंदे आम आदमी पार्टी पंजाब दे चोन मैनीफेस्टो कमेटी दे चेयरमैन कंवर संधू ने दस्या कि अरविंद केजरीवाल ट्रेडर इंडस्ट्री रियल एस्टेट अते ट्रांसपोर्टर्स दा मैनीफेस्टो लुधियाना विखे 23 अक्तूबर नू जारी करनगे।
उन्होंने दसिया कि अरविंद केजरीवाल 23 तो 25 अक्तूबर तक लुधियाना मंडी गोबिंदगढ़ बठिंडा जलंधर बटाला और मोहाली विखे कारोबारियों के नाल विशेष डायलॉग कर मैनीफेस्टो के वक् वक् मुद्दों से विचार वटांदरा भी करेंगे। We will be releasing the trade, industry, real estate and transport manifesto on the 23rd of October in Ludhiana. This will be like the previous two manifestos. This will be released by Mr. Arvind Kejriwal himself. And this time there will not be just one function. There will be three functions. There'll be six functions. There are trade, industry, real estate, transport sector da jada manifesto release ho rya va. Ede 6 function honge. Pehla function jada va eh 23 tarikh nu Ludhiane hoga. Usse din sham nu Arvind Kejriwal ji Mandi Gobindgarh aunge. Sham nu 6 baje utthe dusra function hoga. उत्थे भी ये जरा मैनीफेस्टो रिलीज़ हो रहा वा उस दिन सवेरे 23 अक्टूबर वो बारे एक्सप्लेनेशन वो बारे डिस्कशन होगी साढ़े ट्रेडर्स के नाल इंडस्ट्रीज के नाल। नैक्सट डे अक्टूबर 24 साढ़े नैशनल कन्वीनर जोड़े आ सवेरे दमदमा साहब गुरुद्वारे से जाके मत्था टेकन गए और बठिंडे दे विच साढ़े 12 बजे बठिंडे के जोड़े व्यापारी ने उद्योगपति ने और बाकी रियल्टर्स आ और बाकी सारे जोड़े ट्रेड के नाल संबंधित ने उन्होंने गुफ्तगू होगी और उन्होंने वो जोड़े ट्रेड मैनीफेस्टो के फाइनल पॉइंट्स आना डिस्कस कर लगे। उस दिन शाम को जलंधर के चौथा फंक्शन होगा 6 बजे शाम। अगले दिन अक्टूबर 25 सवेरे मिस्टर अरविंद केजरीवाल जोड़े आ बटाला जाएंगे। तुसी नोटिस करोगे करीब करीब सारे इंडस्ट्रियल सेंटर्स है और बटाले तो बाद शाम को 6 बजे मोहाली आएंगे। शिवालिक पब्लिक स्कूल दे विच फंक्शन है। सूबे विच अकाली बदमाशी का ग्राफ लगातार वध रहा है। हुण ताज़ा मामला संगरूर दे धुरी तो सामने आया जिथे अकाली कौंसलर परमजीत सिंह पम्मी ते एक पत्रकार नूं गोली मार के कतल करन दे इल्जाम लगे ने। सूबे च अकाली बदमाशी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हुण ताज़ा मामला संगरूर दे धूरी तो सामने आया है जिथे अकाली कौंसलर परमजीत सिंह पम्मी ने एक पत्रकार नूं शरेआम गोली मार दिती जिस कारण पत्रकार केवल कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मुताबक पत्रकार केवल कृष्ण का अकाली लीडर पम्मी नाल पैसों का लेन देन सी। मृतक के पुत्र मुताबक अकाली कौंसलर परमजीत सिंह पम्मी उन्हां तों पैसे उधारे लै जांदा सी अते वापस भी कर दिंदा सी, परंतु इस बार घर कुड़ी का विआह रख्या होण कारण जदों उन्हां ने अकाली कौंसलर तो पैसे वापस मंगे तो उसने पहला टाल मटोल की, परंतु फिर उकतागू ने उसके पिता गोली मार दी। साढ़े ट्रक जो ट्रक यूनिट एक बंदा काम करता है आपके ट्रकों का करमजीत सिंह पम्मी प्रधान कहें उन्होंने वो मेरे पिता जी का कारोबारी लेन देन से वो साढ़े तो आपके ट्रकों के कारोबार को चलाने लिए पैसे लै जाता सी मोड़ जाता सी उन्हें साढ़े तो पैसे उधार ले हुए सी। साड़ी अगले महीने कुड़ी का विआह रखा होया तो मेरे फादर साहब ने जो कहा भी भाई साढ़े घर कुड़ी का विआह है तो सानू पैसे की लोड़ है वो पहला तो टाल मटोल करी दे दांगा कोई ना लै लियो कहिंदा फिर अज कल दे दूंगा पर अज जब पैसे कल रात पैसे मंगे तो उन्हें उन्होंने फायर करता। उधर पुलिस मुताबक उन्होंने मुलजम अकाली कौंसलर परमजीत सिंह केस दर्ज कर लिया और भाल की जा रही है। मुकदमा केवल कृष्ण के बेटे नीरज कुमार जिंदल वालों परचा दर्ज होया कि कल 20 तरीक वक्त करीब 8:30 बजे वो फादर केवल कृष्ण करमजीत सिंह पम्मी सबका प्रधान ट्रक यूनियन धूरी ने अपने सर्विस रिवालवर गोली मार के मार दिता। बाजार रंजन से उन्होंने दसा भी उन्होंने पैसे लेने से करीब 10 लाख रुपया उन्होंने केवल कृष्ण की हम बेटी की मैरिज से उन्हें पैसे मंगे इस करके उन्होंने तकरार होया परचा दर्ज करता दोषी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। 302 25 27 असलैक्ट नहीं हजे हुए नहीं हूँ तो रीसेंट FIR दर्ज करके हटे पोस्टमार्टम करा रहे हैं तो
जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सूबे च चाहे अकाली सरपंच होण जां फिर अकाली वर्कर, इन्हां दीआं गुंडागर्दी दीआं खबरां जरूर सुर्खियां बन रहीआं ने। हुण इन्हां दे निशाने ते पत्रकार वी ने जिन्हां नूं वी शरेआम कतल कीता जाण लग्गिआ। संगरूर तों ब्यूरो रिपोर्ट, फ्री मीडिया। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਲਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ MLA ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਦੇ, ਸਾਰੇ MLA ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 3 ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਆਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੱਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਸ ਭਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 70,000 crores ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਡੈਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੇ ਹੋਲ ਲੋਨ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਪੇ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੋਨ। ਇਨ ਮੋਸਟ ਕੇਸਿਸ ਜੈਸੇ 3 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਕਾ ਹੈ, ਅਬ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨੋ ਕੀ ਉਸਮੇ ਸੇ ਘੁਸ ਕੇ ਆਇਆ ਹੂੰ ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਟਿੰਗ, ਇਨ ਕੇਸ ਇਹ ਜੋ ਦੌਰਾ ਥਾ ਮੇਰਾ, 70,000-80,000 ਤੋਂ ਉਨਕਾ ਉਨਕਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, 3-3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਦੈਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਸੋਚ ਥੀ ਯਾ ਉਸਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋ ਕੋਈ ਸੋਚ ਥੀ, ਆਜ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਤੋ ਕਰ ਲੇਤੇ ਪੂਰੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਐਨੀ ਚੈਲੇਂਜ ਫਰੋਮ ਹਿਮ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਐਂਡ ਹੀ ਨੀਡਨਟ ਬਾਦਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਆਫ ਟੂ। ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਠੇਕੇ ਸਭ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਬਸਿਸ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਸ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਵਾਟ ਐਲਸ ਬਸਿਸ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਕਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਆ ਬਦਨਾਮੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। Sir, has there been any discussion on Navjot Singh Sidhu? We've been hearing that Congress is ready to offer him deputy chief minister. Who is telling you all these things? You people are creating these. अपने आप खबर बनाते हो फिर अपने आप ही पूछ लेते हो। क्या इशू? जहां हमने कहा है
कि एज फार एज नवजोत सिंह सिद्धू और एनी बॉडी दैट मैटर हु इज इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज वेलकम टू जॉइन अस। चंडीगढ़ के नारकोटिक ब्यूरो ने हैरोइन की तस्करी के इल्जाम में एक कुश्ती के नेशनल खिडारी समेत एक होर व्यक्ति को हिरासत में लिया है। मामले की जानकारी देते हुए नारकोटिक विभाग के जोनल डायरेक्टर ने दसिया कि सिरसा का रहने वाला कुश्ती का नेशनल खिडारी अमरजीत सिंह और कालका के रहने वाले सतपाल सिंह को विभाग ने 104 ग्राम हैरोइन के नाल काबू किया है। अधिकारी मुताबिक अमरजीत सिंह पिछले 2 सालों तो और सतपाल सिंह पिछले 3 सालों तो नशे की तस्करी कर रहे हैं। अधिकारियों मुताबिक दोवें मुलजम दिल्ली के ड्रग माफिया के नाल जुड़े हुए हैं। फिलहाल विभाग दोवां मुलजमां ते अग्गे दी कार्रवाई कर रहा है। ने जो ये बताया कि ये नेशनल लेवल के ऊपर खेल चुका है, कई अखाड़ों में रहा है, इसमें गढ़शंकर का भी अखाड़े का इसने नाम लिया है और ये खन्ना के अंदर भी कुछ समय के लिए रहा है जहाँ पे इसके इन लॉज रहते हैं। तो एज पर जो इंटेरोगेशन है इसने बताया कि ये नेशनल लेवल के ऊपर भी कुश्ती के कॉम्पिटिशन्स में जाता रहा है और उसमें भाग लिया है। और जो इसकी पूछताछ पर इनिशियली हमें पता चला वो यही है कि किसी कुश्ती खिलाड़ी नहीं, इसको किसी दंगल के अंदर ये सुझाव दिया कि भी इससे जो है आप ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ताकत लगेगी, अच्छे से दंगल लड़ सकते हो। इसी के बाद जो है इसने थोड़ी थोड़ी लेनी शुरू करी। पहले तो ये आदि नहीं था, पर इस समय जो है तकरीबन ये कहता है कि मैं 1 ग्राम तक हेरोइन जो है एक दिन में ही ले लेता हूँ। जो ये इसकी सत्ते की जो पूछताछ हुई है इसमें पता चला है कि ये करीब करीब सारे ही एरिया इसके आसपास का आप ले सकते हैं कि ट्राई सिटी में सप्लाई होती है, पर अपने ज़्यादा जो वाकिफ लोग थे उन्हीं को देता था, इंक्लूडिंग हिमाचल के कई एरियाज भी इसमें शामिल आए हैं। कालका का एरिया है, परवानू है, सोलन है, ऊना का भी इसने बताए हमारे को, ऑफ कोर्स चंडीगढ़ मोहाली के भी इसमें इसके सब एरिया हैं जहां पे सप्लाई देता है। शुक्रवार पूरे देश के नाल-नाल पंजाब सूबे विच भी पुलिस शहीदी दिवस मनाया गया। इस मौके पंजाब के DGP सुरेश अरोड़ा ने भी देश के कानून और सुरक्षा को कायम रखने वाले पंजाब पुलिस के शहीद हुए अफसरों और जवानों को श्रद्धांजलि दी। ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ CRPF ਦੇ 10 ਜਵਾਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ DGP ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ 473 ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ASA ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ 2179 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਔਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਫਰੋਮ 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ SSP ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵਡਾਉਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਰਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਸਨ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਚੱਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ 5,000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ।
1959 तो बाद 21 अक्टूबर नूं पुलिस शहीदी दिवस दे तौर ते मनाया जांदा है तां जो देश दी सुरक्षा लई जान गवाउण वाले शहीदां दी कुर्बानी नूं याद कीता जावे अते इन्हां बहादुर शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जावे। बरनाला तो कमलजीत सिंह अते जलंधर तो मनवीर सब्बरवाल दी रिपोर्ट, फ्री मीडिया। कश्मीर विच सिखां नूं पेश आ रहीआं मुश्किलां दे जायजा लैण लई बनाई गई 3 मैंबरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह नूं सौंप दित्ती है। इस बाबत जानकारी दिंदे होए जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने दस्सिया कि कमेटी वल्लों कश्मीर दे गवर्नर अते जम्मू कश्मीर दे सिखां नाल मुलाकात करके पेश आ रहीआं मुश्किलां बारे जानकारी इकट्ठी कीती गई। ज्ञानी गुरबचन सिंह मुताबक उह पंजाब सरकार दे नाल गल करके केंद्र सरकार दी सहायता दे नाल जम्मू कश्मीर दे सिखां दी समस्यावां दा हल जरूर कढ़णगे। जम्मू कश्मीर दे विच बहुत लंबे समय तो करफ्यू आदि चल रहे ने, जिस दे विच सिखां दे वास्ते बहुत मुश्किल बनी हुई है। कारोबार बंद पए ने, बच्चों की पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं चल रही और बहुत सारी परेशानियां उन्हां नूं सहनियां पै रही ने, जिन्हां दे हल वास्ते श्री अकाल तख्त साहिब वालों 3 मैंबरी कमेटी सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार सतनाम सिंह जी, सरदार सरबजीत सिंह जी, इन्हां नूं भेजा गया सी, जिन्हां ने बहुत वड्डा उपराला करके उत्थों दे गवर्नर दे नाल जा के मीटिंग कीती, सिखां नूं मिले जा के, मुसलमान भरावां नूं मिले जा के, सारी जितनी स्थिति सी उस नूं ध्यान में रखदिया होया इन्हां ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट अज इत्थे श्री अकाल तख्त साहिब विखे इन्हां ने हाजिर की दिती है, जिस दे उत्ते विचार करके आउण वाले समय दे विच सिखां दीआं जिहड़ीआं मुश्किलातां ने उन्हां दे हल वास्ते उपराले करने जो जरूरी ने उहदे वास्ते विचार की जाएगी। इस संबंध में इन्हां दे नाल मिल के जम्मू कश्मीर तो सिखां दा वफद 25 तरीक नूं श्री अकाल तख्त साहिब विखे आ रहा है। खबरां दे इस बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही, इजाजत दिओ, धन्नवाद।